गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर विजय सेन, वोकेशनल ट्रेनर ट्रैवल एंड टूरिज्म एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदियाना। तो कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? जैसा कि आपको पता है, देश में COVID-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति चली हुई है, जो कि सरकार के द्वारा जिसमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं वो 3 मई तक अभी चलेगी। और इसमें सुरक्षा की दृष्टि से घर से बाहर निकलना वर्जित किया गया है। तो आप लोग कृपया घर में बैठे रहें और जो भी पढ़ाई और अन्य कार्य हैं वे घर में बैठ के करें और डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो आज गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए हम लोग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदियाना में टीचर्स ने हर क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, जिनके माध्यम से आपको प्रतिदिन गृह कार्य नोट्स और वर्कशीट के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है और आप लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। उसी कड़ी में अब हम थोड़ा सा इसको और बेहतर बनाने के लिए आपको वीडियो के माध्यम से भी पढ़ाई करवाना चाहते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कोशिश शुरू की गई है, तो आशा है आप इसमें पूर्ण सहयोग देंगे और जो भी हम यहाँ से आपको पढ़ाएं वे आप अच्छे से समझें। तथा अगर इसके लिए आपको कोई भी डाउट्स रहता है या कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करके या फोन करके हमें दोबारा पूछ सकते हैं। तो जैसा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म में 9th, 10th और प्लस वन के लिए जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट पार्ट है, उसमें तीनों का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, उसके लिए तो यह एक ही वीडियो में तीनों क्लासेस कवर हो जाएंगी। तो जो प्रतिदिन या दूसरे तीसरे दिन हम वीडियो डालेंगे तो इसी के जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाएंगे, ताकि एक ही वीडियो से 2-3 क्लासेस का काम चल जाए। तो फर्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होते हैं? तो बच्चों, 10th और जो प्लस वन वाले हैं उनको तो थोड़ा मालूम भी है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होता है, उन्होंने पहले भी पढ़ा है। जो हमारा पहला बुक का पार्ट ए है, उसमें सबसे पहले बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बताया जाएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वे स्किल्स होते हैं, वह उन स्किल्स जो हमें नौकरी प्राप्त करने के समय अत्यधिक आवश्यक होते हैं। जो एक एम्प्लॉयर, जो नौकरी देने वाला होता है, वो अपने एम्प्लॉय में उन स्किल्स का होना जरूरी समझता है, क्योंकि समय बदल चुका है। आजकल आपको टेक्निकल स्किल्स ही आपको जॉब में मदद नहीं करते, उसके साथ साथ जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होता है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, एम्प्लॉय मतलब जॉब प्राप्ति के लिए जो कौशल आपके अंदर होना चाहिए, उन स्किल्स को क्या कहा जाता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहा जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को और बेहतर से समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। हार्ड स्किल, पहले हम बात करते हैं हार्ड स्किल। हार्ड स्किल को टेक्निकल स्किल्स भी कहा जाता है। टेक्निकल स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जो हम किसी संस्था में प्रशिक्षण करके प्राप्त करते हैं और जिनके माध्यम से हम जॉब प्राप्त करते हैं। जैसे एक पेंटर है, उसका कारपेंटर है, उसका टेक्निकल स्किल्स क्या होता है? उसका टेक्निकल स्किल है वो कितने अच्छे से दीवारों पर पेंट करता है। और एक बढ़ई है, उसका टेक्निकल स्किल है कि वह लकड़ी का काम कितने अच्छे से करता है। एक मैकेनिक है, उसका टेक्निकल स्किल है कि वह एक प्रोडक्ट को कैसे बनाता है और अगर वो खराब हो जाता है तो उसको कितने अच्छे से ठीक कर पाता है। तो ये सारे जो स्किल्स होते हैं ये हार्ड स्किल और टेक्निकल स्किल्स कहे जाते हैं, जो जॉब प्राप्ति के लिए सबसे पहली कड़ी है, क्योंकि जब आप में कोई स्किल होगा तभी आपको जॉब मिलेगी। अब इसके साथ साथ आपके टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सॉफ्ट स्किल्स से हम
अपने कार्य क्षेत्र में और बेहतर तरीके से कार्य को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो सॉफ्ट स्किल को जो कहा जाता है, यह भी कहा जाता है कि सॉफ्ट स्किल वे स्किल्स होते हैं जो हमें कार्य क्षेत्र में अपने कार्य को, टेक्निकल स्किल को और बेहतर तरीके से करने में मदद करते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, वह कितने अच्छे से अपने पेशेंट से बात करता है, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारे स्किल्स जो होते हैं हमारे सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई मुश्किल आती है तो आप उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से हैंडल करते हैं। टीम वर्क, कोई कार्य दिया जा रहा है, आप एक टीम में एक दूसरे से मिलकर कितनी बेहतर से उस कार्य को कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम का आप किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं, तो ये जो है सॉफ्ट स्किल कहलाए जाते हैं, जो कि हमारे टेक्निकल स्किल को एनहांस करते हैं और उन्हें और बेहतर तरीके से करने में मदद करते हैं। तो सिमिलरली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हमें टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ जो है सॉफ्ट स्किल्स का होना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज सिनेरियो चेंज हो चुका है। अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो काम ही आपका पैमाना नहीं होता नौकरी प्राप्त करने के लिए। जब आप नौकरी करने जाते हैं तो वहां पे यह भी देखा जाता है कि आपको, आपके अंदर और क्या क्वालिटीज हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस प्रकार अपनी बातचीत करते हैं, किस प्रकार आप प्रेशर हैंडल करते हैं, किस प्रकार आप एक टीम में वर्क करते हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो हम इस बुक में पढ़ेंगे वो रहेगा, सबसे पहला जो चैप्टर होगा हमारा कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति किस प्रकार बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन करके अपनी जॉब में तरक्की पा सकता है और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाए। तो और दूसरा जो इसमें चैप्टर रहेगा सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट मतलब आपने चीजों को स्वयं से मैनेज करना है, सही टाइम पे सारी चीजें होनी चाहिए। नाउ थर्ड इज आईसीटी स्किल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल। आपको बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है, क्योंकि जब आप टेक्निकल स्किल लेते हैं, आपका टेक्निकल स्किल सपोज करो, टेक्निकल स्किल आपका जो है, आप एक अच्छे से वेटर हो, आप एक अकाउंटेंट हो, आप एक रिटेलर शॉप पे एक एम्प्लॉय हो, तो साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना भी जरूरी होता है, क्योंकि एक अकाउंटेंट जो है खाली पेपर और पेन पे काम नहीं करता है। आज कंप्यूटर्स हैं तो उसको कंप्यूटर हैंडल करना भी जरूरी हो जाता है, एक अकाउंटेंट को बिल्स बनाना भी जरूरी हो जाता है, और एक जो रिटेल शॉप पे या रेस्टोरेंट में काउंटर पे खड़ा हुआ है उससे पता होना चाहिए कि जो कैश काउंटर है उसमें कैश टेक्निकल तरीके से किस प्रकार लिया जाए, उसे कंप्यूटर हैंडल करना बहुत जरूरी हो जाता है। और अगला जो चैप्टर रहेगा फोर्थ चैप्टर वो रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल में हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है व्यक्ति एक उद्यमी बन सकता है, किस प्रकार वह अपने स्किल को एनहांस करके एक बिजनेस शुरू कर सकता है, स्टार्टअप शुरू कर सकता है। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट, जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसको सस्टेनेबल तरीके से किस प्रकार किया जाए, ताकि पर्यावरण पे जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा कार्य है, उसका कम से कम प्रभाव पड़े और हमारा पर्यावरण जो है साफ सुथरा रहे। तो बच्चों, ये आज मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि हम किस प्रकार करेंगे। तो आज हमने पहला जो टॉपिक था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वो भी कर लिया। तो अगले जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन पास आउट की जाए, और आप लोग साथ में इस बात का भी ख्याल रखें कि जो महामारी इस वक्त पूरे विश्व में चली हुई है उससे भी आपने बचना है। आपको जो टीवी पे, न्यूज़पेपर पे और इंटरनेट, फोन, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिलती है कि हमें किस प्रकार अपना COVID-19 से बचाव करना है, कृपया आप उन चीज़ों को भी फॉलो करें। रेगुलरली अपने हाथ धोएं, छींक आने से पहले आते वक्त अपने मुंह पे ढक लें, और कहीं भी बाहर जाएं तो अपने जो है आप चेहरे को ढक के निकलें, और समय समय पर
बाहर से आते हैं तो अपने हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो धन्यवाद छात्रों, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।